तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट। और तेजिंदर जी एंड अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि आज की ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। यूट्यूब सर्च पेज पे जाके आप IPT इंडिया सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, और जैसे कि ओवरव्यू कर देता हूँ कि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। तो बेसिकली हम लिखते कुछ और है, शो कुछ और करते हैं, दैट कॉल कस्टम फॉर्मेटिंग। ठीक है, कि हमारा नंबर चेंज ना हो लेकिन हमारा जो डेटा है मतलब कि वो कुछ और तरीके से दी गई, जैसे कि हमने MRP लिख दिया और यहाँ पे हैश लिख दिया तो डेटा हमारा दिख गया। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने आपको एक लिंक दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, ये हमारा लिंक है, और इस आर्टिकल में दिया हुआ है बहुत सारी चीजें। तो चलिए वन बाय वन सारे गाइडलाइन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब खोलते हैं सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, टैक्स कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए इसी चीज को आप समझते हैं। ठीक है, देखिए जब आप कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको हमने सिलेक्ट किया और कस्टम फॉर्मेटिंग में चले गए, और कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे जैसे दे दिया, हमने मान लीजिए कि दिया मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट लिख दिया तो क्या करेगा, जो हमारा नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू है सबके आगे वो प्रॉफिट देगा। नेगेटिव में माइनस लगा देगा, पॉजिटिव में प्रॉफिट ये दे देगा, माइनस नहीं लगाएगा। और इसके साथ हमें हैश देते हैं तो हमारा डेटा भी आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव लिखूं तो प्रॉफिट बाहर आए, और मैं नेगेटिव लिखूं तो लॉस आए, क्या जी। तो जैसे कि यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी आप कई सारे कंसेप्ट दे सकते हो। जैसे कि हमने सेमीकॉलन लगाया और मैंने यहाँ पे दे दिया लॉस और हमने हैश दे दिया, तो अब क्या होगा, जब हम निगेटिव लिखेंगे तो लॉस 33 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला हमारा पॉजिटिव है, दूसरा हमारा निगेटिव है। जैसा कि इस लिंक में दिया गया है कि पहला निगेटिव, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तीसरा जीरो होता है। मतलब कि मैं यहाँ एक और सेमीकॉलन दूं और इसमें लिख दूं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या होगा कि वो जब मैं जीरो लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि तीसरा पोजीशन जो है वो किसके लिए है, जीरो के लिए है। और चौथा पोजीशन है टैक्स के लिए, जैसे मैं लिख दिया कि डेटा नॉट अवेलेबल। तो जब इसमें हम कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, माफ कीजिएगा मैं सेमीकॉलन लगाना भूल गया, कॉमा नहीं लगेगा, सेमीकॉलन लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टैक्स लिखूंगा तो टैक्स को दिखेगा DNA, समझ गए जी सर। और अब जैसे कि निगेटिव, पॉजिटिव है, इसके लिए हमने हैश या जीरो का यूज किया है ना, क्या सर जी। लेकिन टैक्स के लिए हम @ इस्तेमाल करते हैं, तब टैक्स आपको शो होगा। तो इसका यूज हम कई सारी जगहों पे करते हैं, लेकिन एक जो यूज करते हैं वो बराबर करते हैं जो हमारे पास बायोमेट्रिक रिजल्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नेम है और इसके आगे हमारे पास डेट है, वैसे नवंबर का मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है, सॉरी नवंबर का ये आया हुआ है, मतलब कि नेम बायोमेट्रिक आया हुआ है कि किस दिन को किस कस्टमर, किस एम्प्लॉय ने कितना बार अपना बायोमेट्रिक, या फिर आप लोग ये ऑफिस में जाने के लिए कार्ड स्वैप करते होंगे ना, एक्सेस कार्ड, कितना बार स्वैप किया है उसका लिस्ट है। मतलब कि अगर उसने स्वैप किया है इट मींस उस दिन ऑफिस में प्रेजेंट था, स्वैप नहीं किया है तो ऑफिस में एब्सेंट था, क्या सर जी। तो जिसका कोई जैसे मोनी जो है 3 नवंबर के अंदर में जीरो है, मतलब कि उस दिन उसने स्वैप नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना है कि जो नंबर पॉजिटिव में है उस पे हमें पी शो करना है, मुझे 18 नहीं इसका 18 के जगह पे पी शो करना है, और 0 के जगह पे एब्सेंट इट मींस ए शो करना है। तो हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी और कॉमा। अब जैसे कि हमने बताया कि पहला पोजीशन प्रेजेंट के लिए होता है, सॉरी पॉजिटिव के लिए होता है, तो दूसरा पोजीशन निगेटिव के लिए होता है, लेकिन हमारे पास तो निगेटिव डेटा नहीं है, हमारे पास तो पॉजिटिव और 0 है। तो निगेटिव के जगह को हम ब्लैंक छोड़ करके और यहाँ पे हम लिख देंगे ए फॉर एब्सेंट। यहाँ पे आप देखिए एब्सेंटल डेटा आ गया, आ गया सर, आ गया सर। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव 0 आप समझ गए जी सर। उसी तरह से आप इसमें कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे नंबर लिखूं, अगर पॉजिटिव सॉरी माफ कर नीचे लिखता हूँ, जब मैं नंबर पॉजिटिव में लिखूं तो एक कलर होना चाहिए ब्लू में, जब निगेटिव में लिखूं तो रेड में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस पे कर्सर रखा और मैं यहाँ गया कस्टम में, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया रेड, यानी ग्रीन होगा से ब्लू, ब्लू बी एल ब्लू, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 0.00, या फिर आप इसमें भी दे सकते हैं हैश कॉमा हैश हैश, फिर सेमीकोलन दिया और मैंने यहाँ पे दिया रेड आर ई डी रेड, और फिर हमने यहाँ पे दे दिया सेम कॉमा, ठीक है, एंड हमने ओके कर दिया, तो ब्लू आ गया। और जैसे हम निगेटिव में देंगे तो रेड हो जाएगा जी। तो हम इसमें हम कलर भी दे सकते हैं, समझ में आया सर कलर? हाँ समझ गया सर। दूसरा आपने देखा कि हमने इसके ऊपर भी कई सारे जगहों पे भी हमने जब टेक्स्ट का इस्तेमाल किया तो उसमें हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाला है। अब आपका ये आर्टिकल कहता है कि इतने सारे जो आपके पास ये है करेक्टर है, इन करेक्टर को आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा डाल सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि द फ्लोइंग करेक्टर आर डिस्प्ले विदाउट यूजिंग द कोटेशन मार्क जी सर, ठीक है। तो ये सारे आप विदाउट डॉलर को दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे जब कभी कभी होता है 5 इंच एंड 23 सेंटीमीटर, समझ गया जी। तो मैंने 5 to 3 लिखा और इसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग में गए, कस्टम में गए और मैं यहाँ पे 0 दिया और 0 पे सिंगल कोट लगाया और 00 पे मैं डबल कोट लगा दिया विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए ठीक है सर, ठीक है सर, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेमीकोलन आपका यही कहता है, और ये भी बताता है आपको कि आप @ को करेक्ट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नहीं शूट लेता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं देता हूँ मान लीजिए कि नेम। अब मुझे कंपनी नेम लिखना पड़ता है, और जब भी मैं कंपनी नेम लिखता हूँ तो मुझे M/S देके कंपनी का नाम देना होता है। तो M/S लिखना थोड़ा सा इटरेटिंग होता है। तो मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में गया, कस्टम पे गया और मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में M/S लिख दिया और फिर हमने @ लगा दिया, क्योंकि @ किसके लिए होता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए। अब मैं सिर्फ IPT लिखूंगा और M/@ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, तो एड्रेस में भी हम मान लीजिए कि हमारा लास्ट का एड्रेस सब सेम है, तो मैं @ पहले लिखा और लिख दिया न्यू दिल्ली 110062, राइट है। अब मैं यहाँ पे 101 लिख के एंटर मारूंगा तो न्यू दिल्ली अपने आप लगाएगा जी। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं आप। तो ये चीज यही दिया गया है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें स्टार के बारे में दिया गया है, सर आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप लोग चेक वगैरह लेते हैं ना, तो जितना स्पेस बचता है उसमें स्टार लगा रहता है ना। यस सर, तो मैं @ लगाया और यहाँ पे स्टार 2 स्टार कर दिया। अब यहाँ पे मैं 5000 लिखूंगा तो जितना स्पेस बचेगा उसमें स्टार लगा देगा। बढ़ाऊंगा तो स्टार बढ़ जाएगा, घटाऊंगा तो स्टार घट जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे हम करते हैं। ऐसे आपका 0 हैश का फंडा आपको समझा ही चुके थे और ये चीजें बताया था मैंने आपको कि कब क्या कोड यूज करेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा। आई थिंक ये आपको पता है। यो होगा, समझ गया। 1000 सेपरेटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, याद है सर हमने? इसका भी हो गया। हाँ, कि आप अगर कॉमा से ट्रिपल कॉमा करेंगे तो 12000 आएगा। अगर सिर्फ स्टार कॉमा हैश कॉमा लगाएंगे तो अमाउंट इन 1000 में चला जाएगा। और जब आप 0.00 डबल कॉमा लगाएंगे तो अमाउंट इन करोड़ में चला जाएगा। और कलर में जैसे हमने अभी ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड दिया था, ये सारे कलर आप देख सकते हो, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मैजेंटा, येलो, शैन एंड रेड। ठीक है, अब कलर को कंडीशंस के फॉर्मेटिंग में भी आप दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें चाहता हूं कि अगर 100 से ऊपर आए तो ग्रीन कलर, 100 से नीचे आए तो रेड कलर। तो कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे देंगे हम, मान लीजिए कि कलर देना होता है ग्रीन, और फिर यहाँ पे हम कंडीशन दे दिया ग्रेटर देन 100। फिर हम सेमीकोलन देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरा कलर देंगे रेड। ठीक है, और कंडीशन देंगे लेस देन 100 और हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ग्रीन और रेड, हो गया। तो इस तरह की कंडीशंस को हम देते हैं यहाँ पे। सुजीत सर, हाँ, ये कंडीशन ड्रैग होता है कि नहीं नीचे के टेबल? हाँ, हो सकता है ड्रैग करने के, वो हो जाएगा। आप फॉर्म में पेंटर लीजिए और पेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए कि कभी कभी आपको इस तरह की कैरेक्टर लिखने की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट को प्रेस करें और उसके साथ इस नंबर को प्रेस करें तो आपको एक कोड दिख जाएगा, नंबर की पैड। ठीक है, साइड में होता है, ऊपर जो होता है वो नहीं। जैसे कि हमने लिखा अल्ट 0 162, ठीक है जी। तो इस तरह की कोड लिखने पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है? अब डेट एंड टाइम के बारे में डिस्कस किया था मैंने। सर एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर ले जाइए सर। हाँ, ये है ना सर, ये माइनस, ये इसका क्या है? ये साइंटिफिक फॉर्मेट होता है, जब बड़ा नंबर होता है तो उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ओह, ठीक है ना। सर, इसको नंबर नॉर्मल पे करने के लिए क्या करना होगा? एक हैश डाल दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें आप देखिए क्या है, एम आपका महीने के लिए होता है। एमएम आपका 012 फॉर्मेट महीने में दिखाता है। 3M अगर करते हो तो जैन टू दिसंबर शो करेगा, और 4M करते हो तो जनवरी टू दिसंबर करेगा, और 5M करते हो तो आपका दिखेगा J to D में, फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ। सेम उसी तरह से D आपका डे, DD TDD संडे सैटरडे, शॉर्ट नेम एंड 4 टाइम रीड करोगे तो सैटरडे संडे सब पूरा दिखेगा। एंड YY आपकी ईयर के लिए होता है। जैसे कि आप, हाँ, ये चीजें करते हैं। इसमें एक चीज और है, टाइम के लिए भी है। HHMMSS। लेकिन अगर आपका टाइम 44 आवर्स है, 24 आवर्स से ज्यादा है तो आप बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ना कि 54 घंटे 20 मिनट हमने लिखा, जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इसको बड़ी ब्रैकेट में एच को लिखेंगे और यहाँ MM और SA। ठीक है, ठीक है। एक और भी होता है कि जैसे मान लीजिए हम 8 घंटे 20 मिनट को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप कस्टम पे आए और जस्ट जो है यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट में M को रख दें तो आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मिनट में कन्वर्ट होगा लेकिन विजुअल होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। आप चाहते ओरिजिनल में 500 हो मिनट में हो जाए तो उसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें और इसको बड़ी ब्रैकेट में M कर दें। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग था। अब इसमें बहुत सारे और मोर एंड मोर कंडीशंस लगा के फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करने के लिए हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कस्टम फॉर्मेटिंग के तकरीबन 10 एग्जाम्पल दें जो एग्जाम्पल हमने कवर नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग के मुझे 10 एग्जाम्पल दें जिसको हमने कवर नहीं किया है। ये आपका होमवर्क है, करके मुझे भेजिए। कल हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। जी सर। और ये आर्टिकल तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। विदाउट के क्वेश्चन वगैरह है आपके पास? नहीं सर। चलिए पूछना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय। ओके, बाय सर, बाय बाय।